आज हम देखेंगे सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग। आपकी बहुत 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 ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस ब्लाउज के लिए। तो ये ब्लाउज सभी साइजेस में किस तरह से बनता है, कितनी कप हाइट रखनी है, कितना टक्स पॉइंट रखना है, कितनी डार्ट की चौड़ाई रखनी है, ये सारी चीजें डिटेल में बताई है। तो बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है वेलवेट का, जो कि 90 सेंटीमीटर है, और कॉटन का लाइनिंग है जो कि 90 सेंटीमीटर है। लाइनिंग आप 1 मीटर भी रख सकते हो। सबसे पहले कागज के ऊपर कटिंग करेंगे। तो हमारी जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच है, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, 1.25 इंच भी ले सकते हो, लेकिन 1.5 इंच रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 7 इंच पर मैंने आर्म होल की लंबाई का नाप डाला है। अब डीप नेक में कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शोल्डर मैंने 6 इंच रखा है क्योंकि ये डीप नेक है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट है 36 इंच, चौथा भाग हुआ 9 इंच, उसमें से 1/4 इंच कम कर देंगे तो 9.25 इंच पर मार्क किया। अब कमर है 32 इंच, चौथा भाग हुआ 8 इंच, उसमें 0.5 इंच यानी 0.75 इंचेस के डार्ट लगेंगे तो 9.25 इंच पर मार्क हुआ। अब ये सीधी लाइन ऊपर से नीचे जोड़ देंगे। यहां पर हम बैक पैटर्न पहले कटिंग करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब आर्म होल का जो शेप है, यहां से यहां जितना भी है उसका आधा करेंगे, पॉइंटेंगे और बस गोलाई दे देंगे। ये तो सारी बेसिक चीजें हैं। डीप नेक है तो 1 पॉइंट अंदर लिया है और यहां से इस तरह से शेप दे दिया। अब ये आर्म होल राउंड हम नापेंगे। मेरा जो टोटल आर्म होल राउंड है बॉडी के ऊपर वो 16.5 इंच है, तो ये 1.25 इंच आना जरूरी है, तो ये आ रहा है। अगर आपका कम या ज्यादा आ रहा है तो उस हिसाब से आप ऊपर या नीचे आमूल की लंबाई रख सकते हो। यहां पर मैंने शोल्डर की पट्टी रखी है 2.5 इंच, जो कि तैयार होके 2 इंच होगी। नीचे का गला आप 10, 10.5, 11 इंच भी रख सकते हो। मैंने 10 इंच रखा है और चौड़ाई रखी है 3.5 इंच। अब यहां पर बॉक्स बना के पीछे की गले की गोलाई देंगे। अब यहां पर डार्ट का मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है, जैसे कि मेरी भी है 32 इंच, उसका चौथा भाग हुआ 8 इंच। 8 इंच पर मैंने टेप को फोल्ड किया है और यहां पर पॉइंट दे दिया। अब डार्ट की लंबाई गले की नीचे ही होनी चाहिए, तो ये मैंने 4.5 इंच रख दी और चौड़ाई 0.5 इंच, मतलब दोनों साइड का मिला के 0.5 इंच हो गया। अब ये दोनों लाइन्स ऊपर की तरफ, तो ये टोटल हो गया 0.5 इंच। ठीक, अब देखिए, जब हम डार्ट लेते हैं तो यहां से कोने हल्के से नीचे आ जाते हैं, तो आप यहां पर लगभग आधा से 0.25 इंच ऊपर ले। मैंने 0.5 इंच लिया है और यहां से इसको जोड़ दी, तो ये बैक का पैटर्न जो है वो ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब यहां पर हम हुक और आई पट्टी के लिए मार्जिन रखेंगे कपड़े के ऊपर। तो यहां पर मैं एरो बना देती हूँ। आप चाहो तो कागज के ऊपर भी मार्जिन रखकर ड्राफ्टिंग कर सकते हो। तो मैंने कागज के ऊपर मार्जिन नहीं छोड़ा है, मैं कपड़े के ऊपर रख दूंगी। अब जैसा मार्किंग है वैसा हमें कट करना है। बैक का कटिंग हो जाने के बाद अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट कटिंग के लिए मैंने बैक पैटर्न फिर से लिया है। अब ऊपर से हम लगभग 0.25 इंच नीचे मार्किंग करेंगे। ठीक है, और यहां पर एक लाइन बना देंगे, क्योंकि जो फ्रंट का आर्म होल होता है वो बैक से 0.25 से 1 इंच कम रहता है, तो इस तरह से आपको रखना है। आप देख सकते हो इस साइड में भी ये बिल्कुल यहां पर चिपक के आना चाहिए और यहां पर भी। अब ये शोल्डर की पट्टी की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे, यहां पर ये आर्म होल की लंबाई का मार्किंग करेंगे, बस इतना ही करना है। अब पहले ये चेस्ट लाइन बना देंगे और फिर ये वाली लाइन। अब देखो ये जो है, यहां से हमें गला भी लेना है आगे का। तो आगे का जो गला है वो सब्यसाची ब्लाउज में आपके नॉर्मल गले से आप 1 इंच बढ़ाकर रखो, सुंदर लगेगा। अगर आपको नहीं पसंद तो जितना आप नॉर्मल ब्लाउज में रखते हो उतना भी रख सकते हो। अब यहां पर गले की चौड़ाई 3 इंच जो बेसिक है वो मैंने रख दी, बॉक्स बना दिया। और यहां पर मैं स्वीट हार्ट नेकलाइन बना रही हूं इस तरीके से, क्योंकि इस टाइप के गले में इस तरह का गला बहुत सुंदर लगता है। अब यहां से 0.5 इंच तिरछा लेंगे सभी साइजेस में और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। अब यहां पर चेस्ट का मार्किंग होगा। चेस्ट हमारी 36 इंच है, चौथा भाग होता है 9 इंच, अधिक 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 1.25 इंच पर मैंने मार्किंग किया है। पर ये आर्म होल की गोलाई नापेंगे,
बैक की हमारी 8.25 इंच आई थी, लेकिन फ्रंट की तो यहाँ पर 8.5 इंच आ रही है। तो जहां पर 8.25 इंच आ रही है वहां पर मैंने मार्किंग किया, तो ये लगभग 1/4 इंच एक्स्ट्रा हो रहा था, तो उसको मैं कट कर दूंगी। तो 1/4 इंच से गले की लंबाई में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने गला जैसा है वैसा रखा है। पर टक्स पॉइंट सही से पकड़ना बहुत जरूरी है। एक तो आप ब्लाउज के ऊपर नापे, अदरवाइज मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसके हिसाब से जाए। अगर आपका फुल बस्ट 39 इंच से लेके 46 इंच तक है, तो आप फुल बस्ट का चौथा भाग करें और उसमें 1/2 इंच मिलाकर मार्किंग करें। और अगर आपका फुल बस्ट 28 इंच से 38 इंच तक के बीच में है, तो आप जितना भी फुल बस्ट है उसका चौथा भाग करके 1 इंच मिला के मार्किंग करें। तो हमारा जो है 38 इंच फुल बस्ट के साइज के हिसाब से 10.5 इंच आ रहा था, तो मैंने 10.5 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब इसी पॉइंट पर हमारी फुल बस्ट लाइन बनेगी। अब इस फुल बस्ट लाइन पर हमें फुल बस्ट का नाप डालना है। तो फुल बस्ट आपका जितना भी है उसमें चौथा भाग करके 1/4 इंच मिलाए। तो मेरा जो है 38 इंच है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, अधिक 1/4 इंच हो गया 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पर मैंने मार्किंग करके इस तरह से लाइन बना दी। अब इसी लाइन के ऊपर आपके फुल बस्ट का 10वां भाग लेना है। जैसा कि मेरा फुल बस्ट 38 इंच है, उसका 10वां भाग हो गया 3.8, मतलब लगभग 4.25 इंच। अब यहां से कप हाइट सबसे जरूरी पार्ट है सब्यसाची ब्लाउज का। कप हाइट आपकी बिल्कुल सही आनी चाहिए। अब कितने साइज में कितनी कप हाइट लेनी है वो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दी है, आप बस उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। हमारा जो फुल बस्ट है वो 38 इंच है, तो उसके लिए 3.5 इंच मैंने कप हाइट रखी है। अब देखिए यहाँ पर सभी साइजेस में आपको 0.75 इंच नीचे आना है। आपका साइज कोई भी हो, आप 0.25 इंच नीचे आएंगे और इस तरह से यहाँ पर तिरछी लाइन बनाएंगे। ठीक। अब यहां पर देखो ये जितना भी है उतना हमें इस तरह से मार्किंग करना है, जिस तरह से हम अम्ब्रेला स्कर्ट बनाते हैं ना, सेम। बस आपको इसको घुमाते हुए सेम मार्किंग करते जाना है। एक दो से तीन डॉट्स आप लगा सकते हो, उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ये हल्की सी गोलाई बनेगी और इसी गोलाई के ऊपर हमारी डार्ट की चौड़ाई आएगी। अब देखिए यहां पर आपकी जितनी भी कमर है उसका चौथा भाग करें। मेरी 32 कमर है, तो चौथा भाग हुआ 8 इंच। आपकी 7.5 इंच आ सकता है, चौथा भाग 7 इंच आ सकता है, जितना भी आ रहा है। आपको एक पॉइंट देना है और उसके पॉइंट के आगे जितना भी अंतर बचता है वो आपको देखना है। तो मेरा 3 इंच बच रहा है, ठीक है, आपका जितना भी बच रहा है। अब 3 इंच मैं यहां पर लूंगी, अधिक उसमें 1/4 इंच मिलाऊंगी। तो आपका जितना भी आ रहा है उसमें आप 1/4 इंच यानी 5 इंच मिला के यहाँ पर डार्ट की चौड़ाई रखे। तो मैंने रखी है यहाँ पर 3.25 इंच। अब यहां से ये जो अंतर है ना, ये उतना ही होना चाहिए जो यहां से यहां है। तो एक बार देख लेते हैं ये कितना है, और उतना ही अंतर हमें यहां पर रखना है, ना उससे कम रखना है ना ज्यादा। देखिए सब्यसाची ब्लाउज में जो राउंड शेप होता है वो अगर आपका परफेक्ट आए ना, तो बस आपका फिटिंग तो एक नंबर ही आएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। बस आपको ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी है। चौड़ाई तो हमें मिल गई, अब ये शेप यहां पर मिलाना है। तो ये जो आर्म होल राउंड का जो शेप है ना, यहाँ पर खत्म होता है, तो यहां तक हम इसको मिला देंगे। ये लगभग 1.5 से 1.75 इंच ऊपर जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जहां पर ये जाएगा वहां पर आप इसको मिला दीजिएगा। आप हाथ से भी मिला सकते हो शेप देके, या फिर आपके पास आर्म होल कर्व है तो उसकी मदद से भी आप शेप दे दीजिएगा, या फिर इस तरह का पैटर्न स्केल है तो उसकी मदद से भी आप शेप दे सकते हो। तो यहां पर बस इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अब देखिए ये जो गोलाई है मैंने पहले भी बताया था, ये जितनी भी है ठीक है उतनी आपको यहां पर भी मार्किंग करनी है। तो मेरी जो है ये लगभग 1.25 इंच आ रही थी, उससे 1 पॉइंट ज्यादा आ रही है शायद, उतना ही मार्किंग मैंने वहां पर किया और इस तरह से यहां यहां पर बेक कर दिया। पॉइंट्स लगाने का मतलब यह है कि यहां पर हमारी गोलाई एकदम परफेक्ट आए, तो बस उन्हीं पॉइंट को पकड़ते हुए हमें गोलाई देनी है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी है। जो राउंड शेप है वो एकदम परफेक्ट आना जरूरी है, यहां से नीचे ज्यादा नहीं जाना। ठीक है, 1/4 इंच से भी मैंने बहुत ज्यादा कम नीचे गई हूँ, या फिर ना भी जाओ तो भी चलेगा नीचे, क्योंकि ज्यादा नीचे जाओगे तो वहां पर ये लूज होने के चांसेस होते हैं। अब ये यहां से यहां बस इसको मिला दीजिएगा इस फ्रेंच कर्व की मदद से। ठीक है, यहां पर नाप लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, यहां से यहां ये 1.25 से 1.5 इंच रहेगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं।
और बस यहाँ पर इसको टच करना है। बस देखते देखते हमारी यहाँ पर जो सब्यसाची ब्लाउज की गोलाई होती है वो एकदम परफेक्ट आ गई है। तो ये देख सकते हो ये फिश कट की तरह दिखेगा आपको, और ये वाला एक इसका अलग पार्ट रहेगा, और ये जो है ये डार्ट रहेगा हमारा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे लाइंस बन गए हैं तो ये हमारा डार्ट रहेगा। अब बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, जितना मार्जिन बैक साइड में रखा है उतना ही यहाँ पर भी रखना है। तो 1.5 इंच पर मार्किंग किया, और यहाँ से हल्का सा इस तरह से कर्व बनाएंगे, ठीक है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब लीजिएगा बैक पैटर्न, और बैक की जो चौड़ाई है मार्जिन की और फ्रंट की चौड़ाई, उन दोनों को मिलाते हुए रखना है। आप वीडियो में देख सकते हो, एकदम बराबर से मिला के रखना है जैसे मैंने रखा है, और जहां तक ये बैक की लंबाई आ रही है वहां पर आप इस तरह से मार्किंग कर दीजिएगा या फिर लाइन बना दीजिएगा। तो ये लाइन मैंने बना दी क्योंकि बैक और फ्रंट की लंबाई तो सेम रखनी है हमें। अब लाइन बनाने के बाद यहां पर, ठीक है, ये जो गोलाई है नीचे की तरफ, उसके नीचे 2 से सवा 2 इंच आना है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा नीचे जाएंगे ना तो पेट में फ्रंट की तरफ कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो 2 से सवा 2 इंच रखे सभी साइजेस के लिए। अब देखिए ये जो है ना, बस मार्जिन को ध्यान में रखना है इस तरह से, और फिर आगे का जो 2.25 इंच नीचे पॉइंट लगाया है वो पकड़ना है, और इस तरह से लाइन बनाई है। तो जैसे आपने देखा, बस मार्जिन जहां तक है वहां तक ये सेम रहेगा, और उसके आगे ये 2.25 इंच का पॉइंट पकड़ते हुए मैंने तिरछी लाइन बना दी। अब मार्जिन को छोड़ना है, और उसके आगे हमारी कमर का चौथा भाग लेना है। जैसे कि 32 इंच कमर है तो चौथा भाग हुआ 8 इंच, तो 8 इंच पर मैंने मार्क कर दिया, और ये पॉइंट इस ऊपर के पॉइंट को हम जोड़ देंगे, ठीक है, जहां तक हमारा डार्ट आया है ना उस वाली लाइन को मैंने वो पॉइंट जोड़ दिया। तो ये रहेगा हमारा बेल्ट वाला यानी सपोर्ट वाला हिस्सा, ठीक है, ये एक रहेगा, ये दूसरा, और ये तीसरा हिस्सा रहेगा, मतलब फ्रंट जो है वो 3 भाग में बट जाता है। तो अब जैसा ड्राफ्टिंग हुआ है वैसा कटिंग करेंगे। तो यहां पर बस मैं साइड साइड से कटिंग करूंगी, बीच में अभी मैं कटिंग नहीं करूंगी, ठीक है। अब यहां से ये और इस गोलाई से होते हुए मैं कटिंग करूंगी। तो बीच में जो हमने मार्किंग किए हैं वो मैं बाद में कटिंग करूंगी, पहले बस मैं साइड साइड से कटिंग करके लूंगी, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। अब देखो ये जो डार्ट है इसको भी मैं कट कर देती हूँ, ये है हमारा मेन डार्ट। अब देखिए यहां से इसको मैं जैसे जोड़ देती हूँ ये बिल्कुल सीधा पैटर्न बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये देखिए बन गया है ना एकदम सीधा, पहले तो तिरछा लग रहा था लेकिन जैसे ये डार्ट जुड़ेगा यहां पर ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और नीचे से भी एकदम स्ट्रेट आ गया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसा हुआ है हमारा, 3 पार्ट में ये बट जाएगा। तो अब हम इसका 3 पार्ट में इसका कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो सब्यसाची ब्लाउज में जैसे कि मैंने बताया, डार्ट की चौड़ाई कोई कम लेगा कोई ज्यादा लेगा ऐसा नहीं चलता है, जितना भी आपका फुल बस्ट और कमर का डिफरेंस रहता है उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी डार्ट की चौड़ाई आती है तो आपका ब्लाउज एकदम फिटिंग में बैठेगा। तो यहां पर मैंने इसको जैसा हमने ड्राफ्टिंग किया था वैसा कट कर दिया, और ये 3 भाग में बट गया है। तो ये वाली साइड गले की साइड होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें मार्जिन लेना है, तो मैं M लिख देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। यहां पर हमें मार्जिन लेना है, नीचे की तरफ भी हमें मार्जिन लेना है क्योंकि ये वाला हिस्सा नीचे के भाग को जुड़ जाएगा। तो यहां पर भी मैंने M लिख दिया क्योंकि यहां तक हमें मार्जिन लेना है। अब इस वाले पार्ट भी ऊपर की तरफ भी हमें मार्जिन लेना है, ये पूरा मार्जिन लेना है तो M लिख दिया, ठीक है। नीचे की तरफ भी हमें मार्जिन लेना है कपड़े के ऊपर, तो यहां पर भी मैं M लिख देती हूँ। ये बस एक बार समझ में आ जाए ना तो बार बार ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बस आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख रही हूँ। यहां पर भी हमें मार्जिन लेना है, M लिख दिया, बस इतना ही। अब ये बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो चुके हैं, अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। स्लीव्स हमारे बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही कटेगी। 4.5 इंच कैप हाइट रखी है, 13 इंच 12 इंच एल्बो लेंथ है, तो 13 इंच स्लीव की लंबाई रखी है। आर्म होल राउंड हमारा आया था 1.25 इंच, तो इस तरह से 1.25 इंच पकड़ना है, लाइन के ऊपर टच करना है, मार्किंग करना है, और यहां से फ्रंट और बैक का शेप देना है।
तो बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स का ही कटिंग होगा ये। और अगर आपको नहीं पता बेसिक स्लीव कटिंग किस तरह से होता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब यहाँ पर गोलाई है मेरी 5.5 इंच, वो मार्किंग कर दिया और यहाँ से इसको इस तरह से शेप देते हुए मैंने जोड़ दिया है। इसके बाहर 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा, जितना ब्लाउज में छोड़ा है उतना ही मार्जिन यहाँ पर भी छोड़ना है और बस इसका मैं कटिंग कर दूंगी। तो हमारा फ्रंट बैक और स्लीव कटिंग हो गया है कागज के ऊपर। अब ये सारे पैटर्न्स हम लाइनिंग के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। लिया है कॉटन लाइनिंग, यहाँ पर मैंने फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले मैंने बैक पैटर्न लिया है। बैक पैटर्न आप फोल्ड वाली साइड की तरफ रखो या फिर खुली साइड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मैं बैक होकर आई लगा रही हूँ बैक साइड में। अब ये है फ्रंट, फ्रंट का ये आर्म होल है और ये गला है, ठीक है, और ये नीचे का हिस्सा। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को मैंने उठाया है और इस तरफ रख दिया। यहाँ पर हमारा मार्जिन आएगा यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां पर भी आएगा। अब ये दूसरा पार्ट उठाया, इसको यहां पर रख दिया। आप जहां पर जो पार्ट फिट बैठेगा या फिर एडजस्ट होगा उस हिसाब से आप रख सकती हो। बस ये वाला पार्ट फोल्ड वाली साइड में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये तीनों पार्ट्स इसके ऊपर रख दिए हैं। नीचे की तरफ स्लीव्स रखे हैं, स्लीव्स को मेरा लाइनिंग कम पड़ गया है, जैसे आप देख पा रहे हो वहां पर मैं जोड़ दे दूंगी, क्योंकि मेरा जो लाइनिंग था ना वो 90 सेंटीमीटर से भी कम था, तो वहां पर मेरा जोड़ आएगा। अब देखिए स्लीव का मैंने जैसा है वैसा मार्किंग कर दिया, बैक पैटर्न का भी बिल्कुल जैसा है वैसा मैंने मार्किंग किया है। अब बैक साइड में हुक और आई के लिए यहां पर मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अगर आप हुक और आई की पट्टी बैक साइड में नहीं लगा रहे हो, साइड में चेन लगा रहे हो, तो आपको मार्जिन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये वाला पार्ट भी बिल्कुल जैसा है वैसा मैंने ड्रॉ किया है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब हमें यहां पर मार्जिन ऐड करना है, तो जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना ही लेना है, ठीक है। तो मैं लगभग 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा दबाती हूँ सिलाई में, इसीलिए मैंने उतना ही मार्जिन लिया है। और कहाँ पर लिया है ये भी आप देख सकते हो। अब ये वाला पार्ट भी, ये तो मैंने फोल्ड वाली साइड की तरफ रखा है, ये भी पहले मैं जैसा है वैसा मार्किंग करूंगी। सभी पार्ट्स को मैंने पहले जैसा है वैसा मार्किंग करके लिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए मार्जिन कहाँ पर ऐड किया है। अब यहां पर मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। तो सेम मार्जिन मैंने ऐड किया है, जितना आप दूसरे पार्ट्स में मार्जिन ऐड कर रहे हो उतना ही मार्जिन यहां पर भी ऐड करना है, बस ऊपर की तरफ ही मार्जिन ऐड होगा। अब ये वाला जो है गले का पार्ट है, ये भी पहले जैसा है वैसा मैंने ड्रॉ किया है। देखिए यहां पर ये जो हिस्सा है ना, यहां से हमें हमारा दूसरा पार्ट जुड़ेगा, दूसरा पार्ट ज्वाइन होगा। तो ये जो मार्किंग है, क्योंकि यहां से ही कट हुआ था ना, तो यहीं से हम मार्जिन को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमें मार्जिन ऐड करना है, जैसे आप देख पा रहे हो यहां से, और इस साइड में भी मार्जिन ऐड किया है मैंने, ठीक है। अब इसको निकाल देंगे। अब देखिए सारे पार्ट्स का जैसा मैंने बताया वैसे मैंने मार्जिन ऐड कर दिया है। अब जैसा है वैसा मैं कट कर दूंगी, मार्जिन के साथ मैंने कट किया है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी ब्लाउज है, फिटिंग भी इसका बहुत सुंदर आता है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए पूरा हमारा कटिंग हो चुका है, मेरे स्लीव में जो जोड़ आएगा वो मैं बाद में दे दूंगी। अब ये सारे पार्ट्स हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में, और यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक जो है वो मैंने लिया है, उसके ऊपर सारे पार्ट्स मैंने रख दिए हैं, स्लीव को भी मैंने जोड़ दे दिया है और इसका मैंने कटिंग कर दिया। बिल्कुल जैसा हमारा लाइनिंग का है वैसा ही कटिंग करना है, उससे ज्यादा ना कम करना है। तो ये सारे पार्ट्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा मैं आइडिया यहाँ पर दे देती हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, ये तीन पार्ट मैंने कटिंग किए हैं, दो लाइनिंग के रहेंगे और एक मेन फैब्रिक का। अब इसको जोड़ना कैसे है ये भी मैं आपको स्टिचिंग के वीडियो में जरूर बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे ही देती हूँ। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट जो है वो तीन भागों में बट गए थे, उनको मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे हो ऊपर का हिस्सा गले का हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा इस तरह से जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ेगा इसका शेप देखो कितना सुंदर लग रहा है, तो ये दोनों साइड में इस तरह से ज्वाइंट होगा, ठीक है। और अब तीसरा हिस्सा नीचे की तरफ जुड़ेगा, जो कि बेल्ट का हिस्सा मैं उनको बोलूंगी,
तो ये मैंने तीन पार्ट्स कट किए हैं, दो लाइनिंग के हैं और एक मेन फैब्रिक का, ये इस तरह से जुड़ेगा। अब ये जुड़ेगा कैसे, ये मैं आपको स्टिचिंग के वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगी, और अगर आपको स्टिचिंग आता है तो आप बिंदास स्टिचिंग इसका कर सकते हो। तो स्टिच करने के बाद ये देख सकते हो आप डमी के ऊपर कितना सुंदर बैठा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसका फिटिंग आया है। और इसका स्टिचिंग देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में मैं स्टिचिंग का वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, कोई डाउट है तो जरूर पूछना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।